हेलो फ्रेंड्स, आज ये एलजी का 32 इंच एलईडी बनने के लिए आया है। इसका मॉडल नंबर 32LF6300 है। इसमें किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। टीवी में स्टैंड बाई की एलईडी वगैरह नहीं जल रही है, ना ही स्क्रीन पर लाइट वगैरह कुछ आ रही है। आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और एक दूसरे टेक्नीशियन के पास से रिटर्न की हुई सेट है, वो इसे ठीक नहीं कर सका है। इसमें सबसे पहले हम इसके पावर बोर्ड को चेक करेंगे, इसका पावर आउटपुट वगैरह है कि नहीं सही। इसके लिए फिल्टर कंडेंसर पे सप्लाई देखेंगे, इनपुट मिल रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं पावर। यहाँ पे फिल्टर कंडेंसर 365 वोल्ट है, यानी पावर आ रही है। फिर इसके आउटपुट चेक करेंगे, आउटपुट कितना वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। इसमें 12 वोल्ट की आउटपुट है, यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आ रहा है, 8.86 वोल्ट आ रहा है। ये पावर सप्लाई स्टैंड बाई में इसमें 12 वोल्ट आउटपुट है, लेकिन स्टैंड बाई में रहने पर ये 8 वोल्ट ही आउटपुट देता है। जब इसका मदरबोर्ड ऑन करेगा, फिर पावर ऑन का सिग्नल आएगा, तब जाके पूरा 12 वोल्ट आउटपुट देगा। अब ये 8वीं वोल्ट दे रही है। अब इसमें देखेंगे हम सर्किट में कहाँ पे सप्लाई जा रही है और कहाँ पे नहीं जा रही है। इन दोनों में से किसी भी डीसी ए टू डीसी आई कन्वर्टर आईसी पर सप्लाई नहीं आ रही, इस पर भी नहीं आ रही है, आउटपुट नहीं दे रहा सप्लाई। और इसको शॉर्टिंग के लिए हम देखेंगे कहीं पे कोई रेगुलेटर वगैरह शॉर्ट तो नहीं बता रहा। यहाँ पे आउटपुट में शॉर्टिंग नहीं बता रही है, इनपुट में शॉर्टिंग बता रहा है। ये नियर अबाउट 110 ओम का शॉर्टिंग बता रहा है। अब इसमें हमें देखना होगा कि इसका रेगुलेटर जो आईसी दिया हुआ है, ये शॉर्ट है या फिर पीएफ वगैरह शॉर्ट है।
यहाँ पर फ्यूज भी जली हुई है। इसमें पीएफ हम दूसरे बोर्ड से निकाल करके लगा देंगे, क्योंकि पुराने बोर्ड में बहुत सारे पीएफ रहते हैं, उसमें से हम इस्तेमाल कर देंगे। इसमें ये दोनों पार्ट्स डैमेज है, एक पीएफ है और एक कॉयल है, पीएफ 10 मीवीएफ की है। तो पीएफ तो हमारे पास है दूसरे बोर्ड में से, सेम सप्लाई की जगह पास से निकाल कर 10 मीवीएफ की पीएफ हम लगा दे रहे हैं, लेकिन कॉयल नहीं है। कॉयल की जगह पर हमने एक 0 ओम का रेजिस्टेंस इसमें डाल देंगे, इसी बोर्ड से निकालो, पुराने वाले बोर्ड से निकाल कर।
फिर हम सॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। अभी सॉर्टिंग नहीं बता रही है, ठीक है। अब वोल्टेज एक बार वेरीफाई होंगे, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज कितना दे रहा है। 13 वोल्ट इनपुट आ गया, 3.5 वोल्ट सही है, 1.5 वोल्ट ये भी सही है, 5 वोल्ट ये भी सही है, सभी जगह हमें सप्लाई मिलने लगा। सेट चालू हो गया, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।